से हो आप लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और जी दिल से यही दुआ चाहती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखता है वो सब बढ़िया अच्छे हो अच्छे हों मस्त हों तो जी चलिए अभी आज का सैटरडे मॉर्निंग है और सुबह सुबह का जो काम है वो आज बहुत सारे हैं तो एक एक काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज सैटरडे है और डुगू की पीटीएम है और आज से पड़ गई हैं वही दो महीने की हमारे टाइम पे दो महीने बोला जाता था बट अभी दो महीने नहीं हैं शायद एक महीना दस दस या बारह दिन की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो अभी मैं क्या है कि मैं बना रही हूँ नाश्ता सुबह आठ बजे आज मैं जिम से आ गई थी आज क्योंकि पता है कार्तिक का आज एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका तो वो जाएगा एग्ज़ाम देने दस बजे तो उससे पहले जो है ना मुझे उसको मतलब ये है कि एग्ज़ाम देने जा रहा है वो शाम तक आएगा साढ़े छः बजे तक तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा हैवी खिला दूँ भरपेट क्योंकि वहाँ ना कॉलेज के आसपास जहाँ उसका सेंटर पड़ता है ऐसी जगह पर पड़ता है कुछ खाने पीने को ना वहाँ कुछ होता नहीं है तो इसी मैंने सोचा पहले बच्चों को जो है कहीं भी जाएंगे ना बच्चे तो खिला पिला कर ही भेजना चाहिए और एक हमारी जो माओ की संतुष्टि होती है ना कि चलो हमारे बच्चों ने खा रखा है हमारे हस्बैंड ने खा रखा है घर से कोई भी इंसान निकले तो मतलब पेट भरा हुआ होना चाहिए क्योंकि टिफ़िन वगैरह तो वहाँ ले जाना अलाउड ही नहीं है कुछ भी तो कल हमारे यहाँ थी शुक्रवार मंडी लगती है सब्जी मंडी लगती है तो वहाँ से ना मैं सब्जियाँ लेकर आई थी तो रात को ही कुंदरू और भिंडी मैंने कट करके रख दिए थे रात तो सोने में भी हम बारह बजे तक सोए थे एक घंटा तो मुझे सब्जी वगैरह कट करने में लग गया था और यहाँ देखो आज इतनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ ना दो चीज़ मेरे से फैली है एक तो घी की डिब्बी थी वो घी लुढ़क गया था अभी हाथों हाथ तो उसको क्लीन करा फिर दूध अपना बॉयल होने के लिए रख रही थी तो वो गिर गया और जब आपको जल्दी जल्दी थोड़े से काम करने होते हैं ना तो आपके हाथ से कुछ ना कुछ चीज़ जो है फ्लिप होती होती है तो यहाँ कुंदरू की सब्जी तो सिंपल मतलब हींग जीरे में ही बनानी है और सिंपल से सूखे मसाले डालने हैं पहले थोड़ी देर इसको ढक के बनाना है और उसके बाद उगाड़ के उसको भूनते रहेंगे जब तक वो बिल्कुल अच्छे से करारी ना हो जाए कुंदरू हमारी तो अभी जो है यहाँ पे कुंदरू की सब्ज़ी बनने रख दी है अच्छा आज जो है मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है कुंदरू की सब्ज़ी क्योंकि इसी कढ़ाई में ना मेरे को ये कढ़ाई गंदी भी हो रही थी झंग धंग से मतलब गंदी का मतलब ऐसे धुली दु, हुई थी मतलब अच्छे से रगड़ के मैंने जो साफ़ करनी होती ना तो वो नहीं तो यहाँ पे देखो शेल्फ पे ना अभी घीस घीसा रह गया था वो मैंने फिर टीशू से क्लीन करा और इसके बाद जो है ना मैं बाद में ही इसको साबुन से साफ़ करूंगी बट अभी जो है मेरे को काम है बहुत सारे तो इधर मैंने चाय भी बनने रख दी है इन दोनों की कार्तिक की और कार्तिक के डैडी की और डुगू तो पिएगा वो क्या कहते हैं बनाना तो आज ना देखो सबकी अलग अलग फरमाइश थी कार्तिक ने भिंडी से पराठे खाने हैं उसके डैडी ने ब्रेड मक्खन ब्रेड खानी थी और का डुगू जो कह रहा था वो बनाना शेक तो अभी इतने सारे काम मेरी मतलब जान को है ना तो बस आज तो मेरी मतलब ऐसी क्लास लगी थी कि जिम से आने के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया कपड़े चेंज करे और एकदम फटाफट फटाफट किचन में लग गई थी तो यहाँ पहले मैं ये तीन प्याज जो है इनको कट कर लेती हूँ रफली क्योंकि जल्दी जल्दी में आज ऐसी प्याज भी कट रही है तो इधर कुंदरू की सब्जी बन रही है दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है उधर जो है इंडेक्स वाले चूल्हे पे ना मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है तो यहाँ जो है देखो प्याज का जो प्याज को मैं भून रही हूँ हल्की मीडियम टू लो फ्लेम पे और अच्छा भिंडी ना बच्चों को प्याज टमाटर वाली पसंद है तो इसमें वो टमाटर भी डलवाएंगे दो दो टमाटर डाल के और अच्छा मेरे मई के में तो खाली प्याज वाली बनती है वो प्याज भून के उसमें भिंडी डाल देते हैं तो सब के यहाँ अलग अलग है यहाँ पे डल जाता है तो मैं डाल देती हूँ टमाटर तो अच्छी लगती है बच्चों को तो टमाटर डाल दूँगी अभी पहले प्याज को अच्छे से गुलाबी होने देना है और इतने में ना मैंने इनको चाय वगैरह भी दे दी थी और जो है कि अभी आटा गूँधना है तो बस जल्दी, जल्दी 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 सुबह सुबह का टाइम है इतने सारे काम है सबकी फरमाइशों को सोचना है और इधर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी थी तो आज ना कपड़े वगैरह भी कुछ नहीं धुले थे पहले मेरे को ये था कि सबको नाश्ता वगैरह दे देती हूँ सब चले जाएँ अपना मतलब काम पे तो फिर जो है आराम से ही कपड़े जो है वो धोऊंगी मन बन, वरना क्या है ना कि अभी तो टाइम मिलने वाला है नहीं और कपड़े धोने बैठ गई ना तो फिर नाश्ता बनाने में मैं लेट हो जाऊंगी तो भाई सुबह आठ बजे से जो मेरा काम है स्टार्ट हुआ था ना और आई थिंक एक साढ़े बारह एक बजे जो है जाके पूरा काम मेरा कंप्लीट हुआ फिर उसके बाद जो है मैंने एडिटिंग वगैरह करी और फिर नहाई और कपड़े रखे थे जो धुले थे ना फिर वो कपड़े प्रेस करे और फोल्ड करके रखे तो ये देखो अब जो है इतना सारा टाइम जो सुबह से लेके ना सात आठ घंटे मेरे इतने ऐसे निकलते हैं मुझे मतलब खुद कॉन्स कंटिन्यू मैं काम करती रहती हूँ करती रहती हूँ बट जब बेड पे लेटती हूँ ना तो फिर ऐसे लगता है कि बस भाई अब कोई मेरे को खाना ला कर दे दे तो इसलिए ना खाना वगैरह मैं अपना जो है मतलब ले कर ही बैठती हूँ क्योंकि फिर खाना खाने के बाद ना मेरी हिम्मत नहीं होती मैं उठूँ तो यहाँ पर देखो मैंने भिंडी भी चौंक दिया और कुंदरू बन के रेडी हो गए थे थोड़े से हल्के से लग रहे थे मुझे तो अभी कुंदरू भी बन रहे हैं और इतने बिना मैं यहाँ जो है आटे का डो लगा लेती हूँ जल्दी से क्योंकि आटा वगैरह गूंज जाएगा ना तो बस मेरे को फिर पराठे बनाने रह जाएंगे तो अभी आटा गूंदने का काम है और आटे में भी क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा पहले गूंद दो ना तो अच्छे से आटे की जो कनी होती है वो गल जाती है और फिर पराठे भी ना बहुत अच्छे बनते हैं करारे करारे से तो अभी आटे को थोड़ा सा दस पंद्रह मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ूंगी और यहाँ पर जो है देखो मैं मतलब आटा गूँध रही हूँ ना तो किसी की तो आवाज़ आ रही थी कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो डुगू की आवाज़ आ रही थी मेरे शूज़ पर पॉलिश कर दो मतलब सबकी मैं फिर ना मेरे को गुस्सा आ गया मैं छिल्ला कर पड़ी कार्तिक पे भाई मेरी जान खा लो तुम तो इतना मतलब मैं जब ये यहाँ लग रही हूँ तो तू खुद भी तो अपनी शर्ट पे प्रेस मार सकता है अच्छा इनके बच्चों के ना मैं आने जाने वाले कपड़े ना जब भी ये पहनते हैं ना जब भी के जब भी प्रेस करती हूँ क्योंकि आप प्रेस करके भी रख दोगे ना तो क्या होता है जब ये कहीं जाते हैं ना तब फिर प्रेस मरवाते हैं तो इसीलिए मैं प्रेस करके रखती नहीं हूँ बच्चों के कपड़े कभी भी तो जब बच्चे जाते हैं तभी के तभी प्रेस हो जाती है तो इधर जो है अब सब्जियां वगैरह बन गई थी आटा गूँध गया और जो है कि मैं जल्दी से बच्चों को जो है नाश्ता दे रही थी कि ये लोग नाश्ता करके जाएंगे क्योंकि डुगू की आज पीटीएम है तो इसकी पीटीएम में ना इसके डैडी ही जाएँगे मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी और यहाँ पर जो है देखो मैंने सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया था सारा काम जो है ना नाश्ते का हो गया था कंप्लीट और साथ के साथ मैंने जो है अपने और डुगू के क्योंकि आज दोपहर तो में कोई भी नहीं रहेगा इसके पापा भी जा रहे हैं किसी काम से और कार्तिक तो चला ही गया वो शाम को छ छः बजे तक आएगा तो वो डुगू और मैं रह गए थे तो मैंने ना चार पांच पराठे बनाकर रख लिए हैं कि अब मैं क्या ही गैस गंदी करूँगी मैं तो मतलब जैसा मर्जी रखा होता ना मैं खा लेती हूँ मेरे का ऐसा नहीं है कि मेरे को स्पेशल कुछ गरम गरम रोटी बना के खाऊँ क्योंकि जब इंसान काम करके थकित इतना जाता है ना फिर तो ऐसे लगता है कोई आ, मतलब रात की भी रोटी दे दो तो वो भी खा के सो जाऊंगा अपने बनाने के लिए ना हिम्मत ही नहीं होती तो यहाँ पर मैंने अपनी और डुगू के भी द, मतलब दो दो तीन तीन पराठे बनाकर जो है मैंने रख लिए छः पराठे बना लिए थे अब देखो जो ये सारा काम नाश्ते का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक कि दोपहर के खाने का भी हम माँ बेटों का हो गया अब मैं दोपहर में कुछ नहीं बनाने वाली क्योंकि दो हैं ये है और रात की थोड़ी सी कुछ सब्ज़ी वगैरह वो हाँ कल राजमा बने थे शायद थोड़े से राजमा भी रखे हैं फ्रिज में तो देखूँगी अगर खाए तो खाए वरना उनको तो मैं फेंक दूँगी तो अब जो है ये ना ये इतने सारे बर्तन हो गए हैं ढेर तो चलिए सबसे पहले ना मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में देखो जो है मेरा किचन का काम पूरा मतलब खाना बनाना बर्तन मांजना जो मेन होता है ना वो कंप्लीट हो गया था तो अब मैं ये सोच रही थी कि मैं अब किचन को आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगी। पहले जो है मैं पूरा किचन ही क्लीन कर लेती हूँ फिर इसके बाद जो है मैं कपड़े धोऊंगी और घर की क्लीनिंग करूंगी। तो अच्छा मन में आप सोच लो ना जब हम मन में सोच लेते हैं कि चलो पहले ये काम करेंगे और पूरा सही ढंग से करेंगे कि ये नहीं कि अभी फैला हुआ है छोड़ के फिर मैं इधर चली गई उधर चली गई तो उससे क्या है ना मेरे काम जो है डबल हो जाएंगे वो इसलिए डबल हो जाएंगे ना तो मैं इधर की रह पाऊँगी ना मैं उधर की रह पाऊँगी तो इसीलिए मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि आज जो है सबसे पहले मैं किचन ही पूरा कम्प्लीट करके जाऊँगी तो पूरे दो ढाई घंटे लगे नाश्ता वगैरह रेडी करने में किचन साफ़ करने में इतने सारे बर्तन हो रहे थे आठ बजे से लेके और जो कि साढ़े नौ पौने दस बजे तक जो है मैं पूरा किचन में लगी रही और एक एक चीज़ जो है मैंने पूरी किचन की पूरी अच्छे से जो है साफ़ कर दी अब जो है ये किचन के जो ये तीन चार डिब्बे हैं ना है, इनको तो मैं रोजाना साफ करती हूँ क्योंकि इन पे ज्यादातर क्या होता है बच्चे भी ना जैसे कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं अपना शेक बनाया कुछ भी बनाया तो वो गंदे गंदे हाथ लगा देते हैं और फिर वो मेरे को तो अच्छे भाते ही नहीं है कि मतलब मैं रसोई साफ करके हट रही हूँ और बच्चे जो है गंदे गंदे निशान लगा लिए फिर मैं जो है मैं साथ के साथ सोचती हूँ कि चलो इनको क्लीन कर लेते हैं अब बारी आ जाती है हमारी चूल्हा साफ करने की जो कि एक रोज़ाना की क्लीनिंग में किचन की क्लीनिंग में तो देखो सबसे मस्त है आप घर का कोई सा भी काम करो मगर आपका चूल्हा जो है दिन में एक बार जरूर अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए तो साबुन के जूने से सबसे पहले तो मैंने जो है कि शेल्फ क्लीन करी है और साथ के साथ टाइल्स पे भी जो है कपड़ा मारती जा रही हो क्योंकि अब रसोई में कुछ काम होना नहीं है इवनिंग तक तो अच्छे से एक बार जो है पूरा रसोई जो है मैं ढंग से चमका दूंगी पूरी गैस मैंने क्लीन कर ली है यहाँ तक कि चिमनी पे भी कपड़ा मार दिया था तो अब आप देख सकते हैं पूरी रसोई जो है ऊपर से भी क्लीन कर दिया है सारा ये जो चिकनी हो रही थी ना सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल सही तरीके से साफ़ कर दी है अब जो है चूल्हे का जो स्टैंड है ना इनको भी मैंने धो धो के रख दिया था जैसे बर्तन माँजे थे ना तभी साफ़ कर दिया था तो इनको मैं अभी फटाफट से लगा दूंगी सारी जो गैस वगैरह है ना सारी साफ़ हो गई है और देखो मेरे को अच्छा जैसे रसोई साफ़ कर दी ना तो अब मेरी ये टेंशन ख़त्म हो गई थी कि मेरे को अब रसोई में दोबारा लगना पड़ेगा आप देख पूरे घर के कामों से हटके जो एक किचन का काम होता है ना भाई वो सबसे ज़्यादा एक हमारा जो होता है ना मेन काम होता है कि हमारी किचन साफ़ सुथरी और व्यवस्थित रहे अच्छी लगे जब भी हम कभी अपने दिन में एक बार ऐसे ही क्लीनिंग कर देते हैं तो भाई सब चीज़ें एकदम चम चमाती हुई दिखती हैं तो यहाँ पर पूरा जंगला वगैरह जो है ना गैस के पास का वो सारा साफ कर दिया तो चलिए अब जो बारी है वो है इधर वाला काउंटर टॉप और ये कैबिनेट्स वगैरह है ना तो ये सारी साफ़ कर दी इंडेक्स वाले चूल्हे को भी मैंने पूरा अच्छे से पोष दिया है चाहे ये मेरी मिक्सी है या मेरी केटल है इन सब को भी मैंने जो है पोष दिया है क्योंकि जो डेली रोज़ाना की बेसिक यूज़ में आ रही है ना चीज़ें तो वो सारी चीज़ें भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है अब जो है मंदिर के पास आ गई हूँ क्योंकि यहाँ भी पूजा पाठ करते हैं ना सुबह के टाइम तो सारे आसन वगैरह इस अलमीरा के अंदर ऐसे ही डाल देते हैं तो इनको भी मैं सारी चीज़ों को ना सही से कर दूंगी मंदिर वाली अलमीरा को पूरी सही से अच्छे से व्यवस्थित कर दूँगी मतलब देखने में अब ठीक ठाक लगे पूरा वैक्सीन वगैरह पूरा साफ करके तो यहाँ पे जो है मेरा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया छोटा छोटा काम है जो भी मुझे दिखता जा रहा है ना मैं साथ के साथ कंप्लीट करती जा रही हूँ क्योंकि किचन की क्लीनिंग होने के बाद ना फिर मेरा जो रह जाएगा मेन काम है झाड़ू पोछे का और कपड़े धोने का तो फिर मैं लगूँगी उसमें अब जो है देखो आपको मैं दिखाती हूँ पूरा किचन मेरा साफ़ हो गया है और अब मैं एक टॉवल लेके ना सारी जो है पूरी तो एक तो कैबिनेट्स क्लीन करूँगी कैबिनेट रह गई है ना बाहर की नीचे वाली तो फटाफट से लगते हैं एक साफ टॉवल ले लिया है धुला हुआ जो कि मेरे डस्टिंग वाले कपड़े रोजाना धुलते हैं और ये डुगू जो केले लाया था ना इनको मैंने बास्केट में रख दिया है क्योंकि मतलब तो तो पोलिथिन में रहेंगे ना फिर ये ख़राब हो जाएंगे तो इसीलिए इनको मैंने सबको जो है आ, बास्केट के अंदर कर दिया है सारे ये देख सकते हैं सारे जो हैंडल्स है किचन के ये कैबिनेट्स के बाहर और पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है अब बारी आ गई है सारी ये जो ड्रॉर्स हैं इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ एक एक चीज़ को अच्छे से तो ये देखिए ये जा रहा है एग्ज़ाम देने और इसको एग्ज़ाम देने जाना है और इसको मैं यही कह कर ध्यान से जाइए और पहुँचने के बाद जो है क्योंकि वहाँ ना एग्ज़ाम सेंटर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है तो मैं इसको यही बोल रही थी कि तू मतलब किसी से फ़ोन ले मेरे को एक कॉल कर दियो कि मैं पहुंच गया हूँ वरना क्या है ना परसों अभी गया था ये एग्ज़ाम देने तो मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी शाम के साढ़े सात बज गए थे और ये आया नहीं था और भाई हो ही जाती है बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं और पहली बार ही निकल रहा है अभी इतनी इसको नॉलेज भी नहीं है अकेले हर चीज़ हैंडल करने की तो बच्चों को बच्चों की तो टेंशन माओ को लगी ही रहती है तो बस यहाँ पे देखो ये चला गया है घर का मेरा जो है किचन समेटने का काम जो था पूरा कंप्लीट हो गया है अब जो है थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करनी है जो भी रसोई की और हर एक चीज़ की डस्टिंग वगैरह करके अपना जो है फिर मैं सफाई में लग जाऊँगी तो इतना टाइम लग जाता है रोज़ाना मुझे अपने रसोई को साफ़ करने में आज थोड़ा सा ज़्यादा लग गया क्योंकि ना रोज़ाना तो मैं सुबह सुबह ही नाश्ता बना देती थी जैसे डुगू का बना रही हूँ तो सब्जी आटे वगैरह का काम हो जाता था तो इतनी मेरे को जो है वो टेंशन नहीं रहती थी कि मेरे को कोई मतलब जब दोपहर मतलब जिम से आने के बाद भी इन लोगों के लिए मुझे सब्ज़ी आटा करना पड़ता पता था फिर तो ये है कि मैं दो दो पराठे बना दिए मगर आज कुछ भी नहीं करा था सुबह से क्योंकि सुबह आज आज से जो छुट्टियाँ ही पड़ गई हैं डुगू की और भाई अब ये एक महीना कैसा जाएगा देखते हैं क्योंकि इनका तो पढ़ना नहीं है बच्चों को फ़ोन इनके हाथ से छूटता नहीं है और देखो काम करते करते इतनी गर्मी लग गई थी तो यहाँ मैंने बीच बीच में मतलब पानी पीते रहती हूँ तो डिहाइड्रेट नहीं होती बॉडी और काम करने के लिए भी मतलब एनर्जी सी रहती है वरना पानी ना पियो ना तो ये ना घबराहट सी और चक्कर से आते रहते हैं तो चलिए फ़िलहाल जो है यहाँ पूरे घर की मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई है जो भी हॉल की और किचन की थी और अभी रूम्स रह गए हैं तो पहले जो है यहाँ का काम जो है पूरा समेट लेती हूँ यहाँ हॉल की बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड और होप करती हूँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिस किसी ने भी नहीं गिराया है और जिस जिसने कर रखा है वो मेरे वीडियो को शेयर कर सकता है तो जी अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ कल मिलूँगी आप लोगों से जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर